सुनीता बोलो, कहाँ से आई है? गुड मॉर्निंग डसी। काली का क्या दे रहा, भूल रही है? कौन सी चीज चलती है तेरे साथ? शरीर पे क्या आता है? ना मैं तो क्या नहीं मन ना पे। भजन सुनते ही रोना आता है, रोंगटे खड़े होते हैं। फिर सुनीता ही ना हमारा था क्या? गलत शक्ति चल रही है बेटे तेरे साथ, 24 घंटे परेशान रहती है, शरीर से भी दिमाग से भी। बच्चे कितने हैं? पहला नाम सुनीता याद है, सुनीता के अंदर संकट खड़ा, उसने आगे लिया। मैंने क्या बताते हैं नाम सुनीता है, अब तो आगे कर रही है। अंबरगढ़ किसने पूजा था, घर में कौन है पुजारी? कहाँ से बेटा? परिवार में घूमर गेड़ा में कोई ना है तेरे घर में पूजा दे? परिवार में हो कोई आपका सरो ताए सरो? वो कह रही है इतना सामान दिया गया मेरा उसके नाम से। वही माँ पड़ी है, वही आई है बड़ी। हमारा घर पे करवा रखे हो? हमारे घर पे हाँ सब कुछ छप दिखा रही है, तेरे हर घर पे करवा रखे सब कुछ छप दिखा रही है। अब तू रो भाई रो, हसना भूल रही, वो कह रही है मुझे ना पता, वह कह रही है मैं बोल रही हूँ, है सच बोल रही हूँ, नारद जी मन को करूँ मैं, मुझे तो भगवती दे रही है, मैं तो दे रही हूँ, क्योंकि वो कह रही रोना ही रोना है जीवन में। हसना कह रही तू अपना घर का बताना, हालत बनवाने वाले तो मैं आप देखूंगी। सारा तिकड़म दिख रहा है, घर तो सारा बिगड़ा तिगड़ा दिख रहा है। घर में सह बरकत वो तो माँ सह बरकत क्या मियाँ बीबी की बिना बने? बेटा मैंने दिखा दिया, देख मैं बोल रही हूँ, मेरे काम में बोल रहा है ठीक है, तुम्हारी बनती हो तो मुझे वो दिखाएगी, आगे देखती रहूँ। मुझे ये नहीं पता, मैं क्या अब उम्र ना कि तू लड़े जा वो लड़ो जा, तेरे पे ये तेरे ही मन तेरे पे बताया मैंने, तेरे को बैठते गद्दी पे कभी नहीं आई, इजाजत तो लेती आने की, इजाजत भी नहीं लिया क्योंकि तू बैठी दिख रही। अरे मामे को बहुत झूठ सच बोल के आई हुई भी बेटा, मेरी लड़की ने झूठ सच बोल के आई, चीज खड़ी है बहुत तगड़ी चीज खड़ी है तेरे, बिल्कुल तेरे हाथ में चीजें रोक रखी है, तू चलेगी ना सही, तू सही चलने ना दे, उल्टे रास्ते चला, मैं तो बहुत ही रास्ता चलना, 2 साल हो रही है तो तेरे आते आ गए
हर उपाय माँ ऐसा बताइयो जो मैं कर सकूँ। आपने बताया बेटा एक बात देसी तो मामा ही करे, माँ को कुछ बोल रहा था 11-11 रुपए का वो बोल रहा था चढ़ाने के लिए चढ़ाया ये पत्थर बाट लाई कब चढ़ाते पिछले साल बेच है एक साल हो गया नहीं गई माँ भी गई माँ मैं झूठी बोलती एक साल जब बोल रहा था जब गई ये बात है घर में कुछ जगह मानते नहीं है नास्ती है सब मानते नहीं मानने हैं नूरते करें सारा काम है जो देती भी हुआ पर ये बता दे जो कुछ दिख रहा है दिख रहा है बकुली बोलने लगेगी फिर तू नाटेगी फिर हट जाएगी गुज्जा पड़ता है एक मिनट में फिर मैं गुज्जा पर नहीं ला सकती उसको जो चीज बोले बोल देना जैसे बाद में कहो ना कि माँ ने कहा ये कार्य माँ हाँ बाद में याद आई माँ हाँ ये चीज ऐसी थी मैं तो बुढ़ेड़े की मानता हूँ वाली कौन सी है यही है ना सारी बहन माता पे मैंने वो प्रसाद 11 रुपए चढ़ाने बोल रखे थे मैं बीमार किसी पे लग रहा है कि तू 11-11 रुपए बाहर का रख ले मैं भी कर आई थी उनका प्रसाद बांटे ही अपने चढ़ाने लेकिन मैं तो समझा नहीं करती मामा ही खड़ी है आगे खड़ी मर गई जो काम खराब कर लिया माया खड़ी कर लिया मर फिर काम अच्छा ना हो रहा कुछ भी देख तू चाहे कुछ कहती फिर मैंने तो माँ देखो अब आपने सब कुछ दिखा तो मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहा बेटा तूने बुरा करा ना करा मैंने इसका मतलब नहीं करने वाला तो तेरा बढ़िया बुरा फर्क था आदमी की तू कह रही है आदमी तेरा एक मिनट का विश्वास ना करे तुम्हें कह रही है मानना है मेरा आदमी तो मेरे आदमी तो चाची है ही ना फिर मैंने क्यों दिखा रही है बार बार मुँह अगर आदमी तो विश्वास ही ना करता पढ़ता तो ही ना करते ऐसा काम मैं तू बताऊँ ठीक है कैसे काम में बर्तन ही ना तो 23-24 साल में ऐसी तो कोई बात ना बर्तन ने तो तेरे लिखने नहीं खाने हो खाने तेरे जहाँ नहीं खाने तेरे पीर के अलावा पीर में भी इतना ना जान देते तेरे लिए लगती है क्लास ना फिर वहाँ तो जा टाइम ही कितना लगा बाढ़ बड़े बड़े कुछ तो हुआ ठीक है बेटा चीज दरबार रखी है तेरे शरीर पर खड़ी है तेरे साथ है घर में उसी का तांडव है सारा जो कुछ भी तेरे घर में काम रुक रहा है तो पैसे की बरकत रुकी है तो अशांति है तो तेरा दिमाग अशांत है पर वो भगत वहाँ घर को है तो पड़ोस बाहर बाहर को है करवानिया घर का करनिया बाहर का मम्मा ने किसी का बुरा ना करना सुन बेटा अगर बुरा करे ना करे क्या दिखा रही है अब किसी का भी काम शरीरों पर कर रखा है शरीर टूट गया ये शरीर किसी के उचित नहीं है मैं आगे को कॉल करूँ उसके शरीर उसका टूट का सिर उसके अंदर बढ़ कैसे पाऊँ उसके ऊपर ये चीज तेरी भी बढ़ गई शरीर तो ठीक नहीं रहा दिमाग तो ठीक नहीं रहा मैं तो मेरी सारी काय खराब हो रही है तेरी काय खराब करेगी मैं तो सब बोल ये मारा गया झटके मां सा कहवा इतने झटके से आई है मेरे पास ये भगत तो पुरानी भगत भी पता है कितने झटके से ना बुलाऊंगी जब आए अपनी घड़ी ले अरे यहाँ तो बिना बुलाए प्रवेश हो गया मेरा तो मुख प्रवेश हो रही है कोई ना कोई मार बड़बड़ते ही बड़बड़वाड़ी आ कहीं इलाज ना हो जो मेरे पास गुज्जा ने अगर मेरे को पहल कर दे तो प्रॉब्लम जो मेरे को दिखाती है स्पष्ट दिखाती है इतना बैठे थी मैंने कोई तुम क्यों दिखी तुम ही क्यों पका रही तो कह रही तुम सुनता नाम है बाकी बोला मरगट खड़ा पूरा उसके साथ मरगट तुम्हारी छोड़ रखी है भजन की इतना रोती है ना मैंने एक जवाब भजन कर सकते हैं कहीं भी पर कितना मजा आएगी तो आंखों में पानी आता है शरीर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं आम इंसान के लिए सोच के भजन गा के आ जाते या तो किसी के अंदर कोई शक्ति होगी तो उसके वजह या किसी के अंदर कोई पूरी आत्मा होगी उसके वजह दो ही चीजों के नाम से खड़े शीतला खड़ी रात में कर अच्छे में खड़ी है लेकिन अमर बटवारी अटैक अमर बटवारी जब अपनी चाल चलाए तो सारी पीछे है इसी ने कर शरीर बैठे पूरी 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 तरह शरीर को खड़ी है पूरी भी पूरी खड़ी है
घर में अभी कुछ के आई हूँ, भाई लोग के आई हूँ, अगली बार बुलाऊंगी तो कैसे? अभी मैं नहीं, बहुत